वेलकम बैक स्टूडेंट, आई एम अर्चना श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू वर्क अराउंड अस, यानी हम लोगों के जो काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑक्यूपेशन, यानी ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों को ऑक्यूपेशन किसे बोलते हैं उसको जानना जरूरी है। वी डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यानी हम लोग जो अलग अलग तरह का काम करते हैं पैसा कमाने के लिए उसको हम लोग ऑक्यूपेशन बोलते हैं। यानी इसका डिफिनेशन हो गया, एनी वर्क डोन अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। कोई भी काम जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे हम लोग ऑक्यूपेशन बोलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो बच्चों हम लोग जानते हैं सारे लोग एक तरह का काम नहीं करते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं। तो अभी हम लोग वह अलग अलग तरह के काम के बारे में पढ़ेंगे। पीपुल हु मेक थिंग्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वे लोग जो हम लोगों के लिए कुछ बनाते हैं। फर्स्ट इंजीनियर्स डिजाइन ब्रिज रोड एंड बिल्डिंग्स। इंजीनियर्स जो होते हैं वे क्या करते हैं, वे ब्रिज यानी पुल का डिजाइन करते हैं, रोड्स बनता है उसका डिजाइन बनाते हैं, बिल्डिंग्स जो बनता है उसका डिजाइन बनाते हैं। तो इस तरह इंजीनियर हम लोगों के लिए ये सब काम करते हैं। उसके बाद बेकर्स बेक्स ब्रेड केक बिस्किट्स, यानी जो बेकर्स होते हैं वे केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे टेलर, टेलर स्टिच क्लॉथ्स, यानी जो हम लोगों को टेलर जो होते हैं दर्जी वे हम लोगों के लिए कपड़ा सिलते हैं। कारपेंटर मेक फर्नीचर और फूड, यानी जो कारपेंटर होते हैं बढ़ई वे लकड़ी का काम करते हैं, वे फर्नीचर बनाते हैं, टेबल चेयर डेस्क बेंच, हम लोगों के घर में जो विंडोज होता है डोर्स होता है वे सारे चीज बनाते हैं। मेसन जो होते हैं वे बिल्ड हाउस यानी घर बनाने का काम करते हैं, जो ईंट का जुड़ाई करते हैं और वे लोग घर बनाने के काम में हम लोगों को मदद करते हैं। उसके बाद फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फार्मर्स यानी किसान ग्रो क्रॉप्स फॉर अस इन देयर फील्ड्स, यानी जो किसान लोग होते हैं वे लोग खेती करते हैं अपने खेत में और हम लोगों के लिए वे लोग फसल उपजाते हैं। तो इस तरह वे लोग हम लोगों के लिए बहुत सारे काम करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीपुल हु सेल थिंग्स, यानी वे लोग जो सामान बेचते हैं। फर्स्ट ग्रोसर, ग्रोसर सेल फूड ग्रेन्स स्पाइसेस ऑयल्स एटीसी, यानी जो ग्रोसर होते हैं वह फूड ग्रेन्स यानी जो सेरल्स पल्सेस होता है, स्पाइसेस यानी मसाला होता है, ऑयल्स होता है और बहुत सारा सामान होता है जो ग्रोसर सेल करते हैं बेचते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ग्रीन ग्रोसर जो होते हैं वे सब्जी और फल बेचते हैं, यानी जो सब्जी और फल बेचते हैं उनको हम लोग ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। उसके बाद फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट सेल फ्लावर एंड बुके, यानी जो फ्लोरिस्ट होते हैं वे फूल बेचते हैं बुके बेचते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी ओकेजन होता है फेस्टिवल होता है तो हम लोग क्या करने जाते हैं, फ्लावर खरीदने जाते हैं, यानी किसी का कोई गिफ्ट होता है देना रहता है तो हम लोग बुके खरीद के गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह से जो फ्लावर और बुके बेचते हैं उसे हम लोग फ्लोरिस्ट बोलते हैं। उसके बाद स्टेशनर, यानी हम लोग हमेशा स्टेशनरी के दुकान में जाते हैं और जो लोग बुक्स नोटबुक्स पेंसिल्स इरेजर्स बेचते हैं उसे हम लोग स्टेशनर्स बोलते हैं। उसके बाद ड्रेपर्स, यानी जो कपड़ा बेचते हैं उन्हें हम लोग ड्रेपर्स बोलते हैं। केमिस्ट, केमिस्ट वे होते हैं जो मेडिसिंस सेल करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आज पढ़े जो लोग हम लोगों के लिए कुछ बनाते हैं
और जो लोग हम लोगों के लिए कुछ बेचते हैं। और अभी मैं आप लोगों को SW दे रही हूँ, उसको आप लोग लर्न करेंगे और जो घर में आप लोगों के इल्डर होंगे उनको आप लोग सुनाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप लोग जरूर उसको याद कीजिएगा और जरूर सुनाइएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।